ठीक है, तो इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आप लोगों को तीन पार्ट बताए थे। एक तार की जो इंडक्टेंस है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन थ्री थिंग्स, तीन अलग अलग तरह के फ्लक्स लिंकेजेस। दो तार हैं ठीक है, इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। जैसे कंडक्टर ए कंडक्टर बी, इसके अंदर करंट जा रही है आई वन, इसके अंदर करंट जा रही है आई टू, वेयर आई टू इज इक्वल टू माइनस आई वन। ये इसके अंदर आई टू जा रही है और आई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई वन, रिटर्न पाथ। अब ऐसे में आपको निकालनी है एल ए, एल ए इज इक्वल टू शाई ए अपॉन आई ए, इसको आई ए बोल देते हैं, आई ए, जिससे आई बी, आई बी इज इक्वल टू माइनस आई ए, शाई ए अपॉन आई ए, और शाई ए इज डिपेंडेंट अपॉन थ्री फैक्टर्स, शाई ए इंटरनल प्लस शाई ए एक्सटर्नल प्लस शाई बी एक्सटर्नल, ठीक। इतना आप लोगों को अगर क्लियर है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसमें आई टू आई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई ए और शाई ए इज इक्वल टू शाई ए इंटरनल प्लस शाई ए एक्सटर्नल प्लस शाई बी एक्सटर्नल, ठीक। हर एक शाई ए इंटरनल और शाई ए एक्सटर्नल निकालने के लिए पांच स्टेप में, फाइव स्टेप्स। देखिए पहले जो कंडक्टर ए है उसको अगर आप देखें आपको दिखाई देगा ये, इसके अंदर का फ्लक्स आपको निकालना है। अंदर का फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रेडियस पे अगर इसका रेडियस टोटल है आर, तो एक्स डिस्टेंस पर एक कंसिडर अ थिन शेल, शेल एक कंसिडर करिए और शेल का जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज डी एक्स और इस शेल की जो दूरी है दिस इज एक्स। और इसका जो रेडियस दैट इज रेडियस इज आर, इतना हो गया, ठीक। इट्स बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ फाइव स्टेप्स। इस पूरे के अंदर करंट अगर जा रही है आई, तो आपको पहले निकालनी है करंट की वैल्यू आई, फिर एच एक्स बी एक्स डी फाई फिर डी शाई और फिर शाई, ये प्रोसेस है, सिक्स स्टेप्स, ठीक। सिक्स स्टेप्स में आई मैं दोनों चीजों को साथ साथ में लेके चलूं तो ठीक है, क्योंकि बेसिकली इस डेरिवेशन में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लड़कों को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, कहां से स्टार्ट किया कहां खत्म किया। तो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप सब लोगों को समझ में आ जाए कि डेरिवेशन क्या है और कैसे वर्क कर रहा है। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए तो करा है, लेकिन मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है। लेकिन अभी एक और स्टेप करूं, मैंने बिना एक्सप्लेन करे अभी आपको एक्सप्लेन में नहीं कर रहा हूं कि हमने काम क्यों कर रखा है, लेकिन अगर मैं एक स्टेप और कर दूं जो इस शाई ए इंटरनल निकालने के बाद में जो आने वाला है, तो वो स्टेप अगर अभी कर दिया जाए तब आपको लिंक समझ में आ जाएगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो आप कंसिडर कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, जो कंडक्टर है, कंडक्टर अगर मान लीजिए ये है, इसके अंदर करंट जा रही है आई ए, आपको इसमें निकालना है शाई ए एक्सटर्नल बाहर वाला फ्लक्स। तो नाउ यू कंसिडर्ड अ शेल विच इज आउटर, ये आर है और यहां से यहां तक का एक्स है और उसकी थिकनेस कितनी है डी एक्स, थिकनेस डी एक्स, क्लियर। आपको अभी भी यह समझ में नहीं आया कि यह क्यों करा गया है, लेकिन यह समझ में आ जाएगा ये वाला काम करना है दोनों के अंदर,
अगर आपको इंटरनल फ्लक्स निकालना है तो जो कनेक्टर है, बाय द वे ये कनेक्टर का डायमीटर इसमें ज़्यादा दिखा रखा है, इसमें कम दिखा रखा है, वो खाली जूम आउट कर रखा है, जूमिंग कर रखी है, दोनों का डायमीटर बराबर है, मतलब जितना ये एक ही कनेक्टर है, ये छोटा वाला और ये जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है दोनों एक ही है, बस खाली इसमें अंदर का दिखाने के लिए इसलिए इसको बड़ा कर दिया है। तो दोनों केसेस में आपने एक एक शेल कंसिडर किया है और वो शेल में से ये निकालेंगे, शेल में से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है और जितना फ्लक्स निकल रहा है उतने फ्लक्स में से लिंकेजेस कितनी हो रही हैं, बस ये निकालना है। एक्स क्या है? एक्स इज डिस्टेंस, एक्स वेरिएबल डिस्टेंस एक्स है, कोई भी कंसिडर्ड डिस्टेंस एक्स है। इस एक्स दूरी पर ये शेल आप कंसिडर किया है डी एक्स। तो ऐसे में इसका फायदा क्या होने वाला है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले ये निकालेंगे कि इस शेल के अक्रॉस ये दिस इज थिकनेस डी एक्स, नेग्लिजिबल है, इसमें से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, और एक बार जब आपने वो निकाल लिया उसके बाद एक्स को यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स जो कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 to r, दस करेक्ट, 0 to r, ये कहां से कहां तक का होगा, आर टू इन्फिनिटी, दस करेक्ट, आर टू इन्फिनिटी। ये डिस्टेंस अगर ये आर है तो ये आर से इस पॉइंट से लेकर के इन्फिनिटी तक का ये वाला हो जाएगा, और ऐसी तीसरा वाला जो निकल के आएगा वो वाला क्या है उसमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तीसरा वाला भी देख ही लीजिए, तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि दो कनेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, तो इसमें जो लिमिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, डी से लेकर के इन्फिनिटी तक के, ठीक है, डी से इन्फिनिटी तक के। तो इसकी लिमिट्स डी से इन्फिनिटी तक की हैं, इसकी लिमिट्स आर से लेकर इन्फिनिटी तक की हैं, और इसकी लिमिट्स जीरो से लेकर आर तक की, ठीक। अब देखिए इसमें भी तीसरे में भी, तीनों में आपको यही वाले स्टेप फॉलो करने हैं, बस दैट्स ऑल। लेकिन तीसरे वाले की करने की जरूरत यूं नहीं है कि अगर आपने एक्सटर्नल फ्लक्स एक बार इसका निकाल दिया, एक्सटर्नल फ्लक्स का मतलब क्या है, अगर आपने इस केस में डी शाई की वैल्यू अगर निकाल ली तो शाई इंटरनल के लिए ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू इंटीग्रेट डी शाई फ्रॉम द लिमिट्स, बिटवीन द लिमिट्स। तो शाई एक्सटर्नल, सॉरी कंप्लीट शाई ये बोल देते हैं, शाई डी शाई अगर दे रखा है तो डी शाई से शाई निकालने के लिए खाली इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट डी शाई बिटवीन द लिमिट्स। तो इसको अगर आप आर से लेकर इन्फिनिटी तक कर रहे हैं तो इस केस में शाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेम चीज होगी, डी शाई दिस विल बी फ्रॉम डी टू इन्फिनिटी, दोनों डिफरेंस देख लीजिए। अगर आपने एक बार डी शाई निकाल कर रख दिया इस केस में एक्सटर्नल फ्लक्स का, तो खाली इसके और इसके केस में इतना डिफरेंस आएगा कि इसकी लिमिट्स अगर आर से इन्फिनिटी तक की है तो इसकी लिमिट्स जो है डी से इन्फिनिटी तक की, बस इतना डिफरेंस आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इसके केस में जो लिमिट्स आएंगी वो जीरो से लेकर आर तक की हो जाएंगी, बस ये देखो आई इस पूरे की जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी कितनी हो गई, करंट अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आर रेडियस है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसके अंदर जितना करंट जा रहा है, इस शेल के अंदर जितना करंट जा रहा है दैट इज आई एक्स, दिस इज इक्वल टू आई एक्स अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स जो है सबस्क्रिप्ट है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब पूरा करंट का पूरा एरिया ले लें या इतने वाले करंट का इतना वाला एरिया ले लें, करंट डेंसिटी बराबर निकल के आनी चाहिए। तो करंट डेंसिटी अगर बराबर निकल के आ रही है तो इससे आप आई एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एक्स इक्वल टू आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। सो इस तरह से आई एक्स इज इक्वल टू आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, करंट डेंसिटी जिन वैल्यू निकाल रखी है। सो आई एक्स इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज ऑब्वियसली एम्पियर, ये एम्पियर में आ गया। एच एक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज करंट अपॉन टू पाई इंटू डिस्टेंस, दिस इज द फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ की का जो डिफरेंशियल होता है दैट इज करंट अपॉन टू पाई इंटू डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू कितनी है आई एक्स अपॉन टू पाई एक्स, डिस्टेंस कितना हुआ एक्स,
ये जो आई एक्स डिस्टेंस है, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है अभी मैं डिस्क्राइब नहीं करा, आई एक्स की वजह से, इस करंट आई एक्स की वजह से जो फील्ड स्ट्रेंथ बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स वो कितनी है, उसके फॉर्मूला ये है। आई एक्स की वैल्यू कितनी है, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर अपॉन टू पाई एक्स इंटू आर स्क्वायर, और ये एक्स और ये वाला कट जाएगा, ठीक। सो आई इंटू एक्स, ये आई एक्स अलग है और ये आई सब्सक्रिप्ट एक्स है, दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, दिस इज आई सब्सक्रिप्ट एक्स, दिस इज आई एक्स, मैं इसको बड़ा करके बनाऊं, दिस इज लाइक दिस, दिस इज दिस आई सब्सक्रिप्ट एक्स इज इक्वल टू आई एक्स अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, ये वाला चीज निकल के आ गई। अब बी एक्स आपको निकालना है, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच एक्स, बाय द वे एच एक्स के जो यूनिट्स हैं दैट इज एम्पियर टर्म्स पर मीटर, एम्पियर टर्म्स पर मीटर। बी एक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट म्यू आर एच एक्स, और एयर के केस में म्यू आर इज कंसिडर टू बी इक्वल टू वन, सो म्यू आर इज इक्वल टू वन, तो बी एक्स की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एच एक्स, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना, फोर पाई इंटू टेंथ पावर माइनस सेवन, ये एक वो होता है कॉन्स्टेंट होता है, और जैसे फोर पाई इंटू टेंथ पावर माइनस सेवन ये होता है, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, बी एक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर। डी शाई डी फाई इस सिलेंड्रिकल शेल में, सिलेंड्रिकल शेल ये सर्कुलर शेल ऑफ लेंथ वन मीटर, इसमें से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, देखो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, आप इसकी वजह से फ्लक्स अगर आप निकालने हैं, फ्लक्स डेंसिटी पूरी पूरी इसके अंदर ये थी। अब अगर आप एक सिलेंड्रिकल शेल ले रहे हैं, सिलेंडर लिया, हॉलो सिलेंडर मान लीजिए, हॉलो सिलेंडर लिया, उसके अंदर हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर के चल रहे थे, भरे हुए थे पूरे में, एंड दे वर मूविंग, वो जो मूव कर रहे हैं दैट करंट इज आई एक्स, ठीक है। किसी भी शेल में जितनी करंट जा रही है उसकी वजह से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है चारों तरफ, मतलब आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये शेल है, तो सिलेंड्रिकल शेल जो है उसमें से हर तरफ जितना फ्लक्स निकल रहा है, जितना उसको शेल को काटता हो जितना फ्लक्स निकल रहा है, दैट इज बेसिकली डी फाई, एंड दैट इज गिवन एज बी एक्स, बी एक्स इंटू वन मीटर लेंथ, ठीक है, वन मीटर लेंथ इंटू डी एक्स, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स डी एक्स अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, इतना क्या हो गया, दिस इज वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर नहीं है, दिस बेसिकली वेबर्स, इतने वेबर्स हम ऑलरेडी जो निकाल रहे हैं दैट इज डी फाइव पर मीटर लेंथ, एक मीटर लेंथ के लिए कितना निकल के आ रहा है, दिस बेसिकली वेबर्स, इतना वेबर्स निकल के आ गया। और दिस फ्लक्स, ये जो पूरा फ्लक्स हमने निकाला है, दिस इज लिंकिंग विद ओनली आई एक्स, उसके अंदर का जो करंट है, उस शेल के बाहर कितना फ्लक्स निकल रहा है, दैट इज लिंकिंग विद ओनली द करंट इनसाइड द शेल, जितना इसके बाहर का जितना करंट जा रहा है उसका कोई भी फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी में ये पूरा आई हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है, आई सब्सक्रिप्ट एक्स, जो ये था आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे काम का था। सो डी शाई इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स क्यूब्ड अपॉन टू पाई आर टू द पावर ऑफ फोर। इतना इसके यूनिट्स क्या हैं, वेबर टर्न्स, वेबर टर्न्स जिस इतना वेबर टर्न्स, वेबर टर्न्स। ऑफ कोर्स डीएक्स, डीएक्स म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर फोर, ये पूरा पूरा बाहर है, अंदर ओनली एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर दीजिए। इस स्टेप में खाली आई की जगह आई एक्स रख दिया है, इस स्टेप में खाली इतना काम किया है, इसमें जो पूरा आई था पूरे आई की जगह पे खाली आई एक्स रख दिया, आई एक्स इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बाकी सबको सिमिलर है, सेम है। ठीक, एंड दैट्स इट। शाई इंटरनल, शाई ए इंटरनल इज इक्वल टू डी शाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू आर, इंटीग्रेट करके बताइए मेरे को जल्दी से। खाली एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है, एक्स क्यूब के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर फोर अपॉन फोर बस, और एक्स पावर फोर में उसमें एक बार आर रखना है, एक बार जीरो रखना है, जीरो वाला तो कैंसिल हो जाएगा, खाली आर वाला बचेगा, आर फोर बचेगा, आर फोर, आर फोर कैंसिल, ओरली हल हो गया, बट एनीवे फिर भी कर लीजिए, मैं कर लीजिए, करने के बाद में इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ रही है इसकी, म्यू नॉट आई अपॉन एट पाई, दैट्स ऑल, म्यू नॉट आई अपॉन एट पाई, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन एट पाई वेबर टर्न्स। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10^-7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 पाई इंटू 10^-7 कितनी हो जाएगी, I/2 × 10^-7, तो दिस इज इक्वल टू हाफ आई इंटू 10^-7 वेबर टर्न्स। तो ये हो गया शाई ए इंटरनल, ठीक है, विल कंटिन्यू, जल्दी से कर देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं आज। अब आता है ये वाला पार्ट, अगेन इसमें ये वाला ध्यान रखिएगा, डी शाई को इसमें आर से लेके इन्फिनिटी तक करना है, ठीक है, इसमें आई एस की वैल्यू निकाली थी आई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसमें आई एस की वैल्यू कितनी होगी, इस कंडीशन में आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इतने मोटे कंडक्टर के अंदर इतनी सारी करंट फैली हुई थी, उसमें से आपने थोड़ा सा एरिया लिया था, उसके अंदर कम करंट थी, इस पूरे सिस्टम के अंदर करंट कहां है, इसके अंदर, किसके बाहर कोई करंट है, तो आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो नहीं, जितनी बची हुई करंट जितनी आपको मिल रही है, सो आई से बेसिकली इक्वल टू आई है, आई आई ही है बस, खाली जितनी करंट उसके अंदर जा रही है, दैट्स ऑल, और कुछ कुछ भी नहीं है, बाहर की कोई करंट उसके अंदर जा ही नहीं रही है, तो आई इसका चक्कर ही खत्म हो गया, इसमें खाली आई रह गया। इन दैट केस एच एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एच एक्स की वैल्यू निकालो, करंट अपॉन टू पाई इंटू डिस्टेंस, करंट इज आई अपॉन टू पाई एक्स, ठीक है, दिस इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ये एच एक्स की वैल्यू आ गई, बी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बी एक्स कितना हो जाएगा, बी एक्स इज म्यू नॉट एच एक्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना लग रहा है, गिनी जुनी 3-4 स्टेप्स हैं, दैट्स ऑल, वेल 6 स्टेप्स हैं, म्यू नॉट एच एक्स इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स वेबर पर मीटर स्क्वायर। डी फाई, डी फाई कितना हो जाएगा, इज
बी एक्स इंटू वन इंटू डी एक्स वेबर्स, बी एक्स की वैल्यू ये रही, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स इंटू डी एक्स वेबर्स, विच इज बेसिकली इक्वल टू डी शाई, क्योंकि करंट है ही इतना, करंट तो कम हो ही नहीं रहा, करंट जितना भी था कुल मिला के इतना ही था, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, दिस ऑल्सो इक्वल टू डी शाई, तो शाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेटेड फ्रॉम आर टू इंफिनिटी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स डी एक्स, विच गिव्स यू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई बाहर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई लॉग लॉग एक्स फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, वन अपॉन एक्स का कितना हो जाता है लॉग एक्स हो जाता है, लॉग इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो आप इतना भी छोड़ दीजिए कैंसिल कर जाएगा बाद में जाकर के, वो अगर इसका इतना निकल के आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई लॉग एक्स टू द फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, तो इसके में क्या फर्क पड़ने वाला है, शाई बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू सेम चीज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई लॉग एक्स फ्रॉम डी टू इंफिनिटी, बस खाली इतना सा फर्क है, इन दोनों में खाली इतना सा फर्क है। ठीक, अब इंडक्टेंस अगर आप निकालते हैं देन शाई ए इज इक्वल टू, बाय द वे दिस करंट इज आई बी, ये करंट आई बी है और ये करंट कौन सी है आई ए है। ठीक है, कंडक्टर ए में जितनी करंट जा रही थी दैट वाज आई ए, दूसरे वाले में जा रही थी दैट वाज आई बी, जो भी करंट उसके अंदर है, और क्योंकि ये जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो उसकी करंट की वजह से, ये करंट जो निकल के आ रहा है इसकी करंट की वजह से, सो शाई ए इज इक्वल टू पहला वाला हाफ आई म्यू नॉट आई अपॉन एट पाई, लिखो ना म्यू नॉट आई अपॉन एट पाई, हर जगह कॉमन निकल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, इसको ऐसे लिखते हैं दिस इज इक्वल टू शाई ए इंटरनल प्लस शाई ए एक्सटर्नल प्लस शाई बी एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन एट पाई प्लस म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई लॉग, दिस इज आई ए बाय द वे, दिस इज ऑल्सो आई ए लॉग एक्स आर टू इंफिनिटी प्लस म्यू नॉट आई बी अपॉन टू पाई लॉग एक्स डी टू इंफिनिटी। और बाय द वे इसमें आपको ये वाली चीज याद रखनी है कि आई ए और आई बी दोनों, आई ए इज इक्वल टू माइनस आई बी, तो इस केस में आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको इसको आई ए कर दीजिए और इसको कर दीजिए क्या माइनस। अब म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई अगर आप कॉमन निकाल लें म्यू नॉट आई ए अपॉन टू पाई कॉमन आपने निकाल लिया तो दिस इज वन बाय टू वन बाय फोर स्क्रिप्ट वन बाय फोर प्लस लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग आर लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग आर माइनस क्या हो जाएगा लॉग इन्फिनिटी प्लस लॉग डी, ये दोनों कैंसिल कर जाते हैं
सो दिस इज माइनस लॉग आर प्लस लॉग डी, तो दिस इज लॉग डी माइनस लॉग आर, कितना हो जाएगा लॉग डी अपॉन आर। तो ये तो हो गया लॉग डी बाय आर, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन टू पाई वन बाय फोर का, वन बाय फोर को ऐसे लिख सकते हैं लॉग ईट पावर माइनस वन बाय फोर, नहीं ईट पावर वन बाय फोर, सॉरी ईट पावर वन बाय फोर, वन बाय फोर हो गया लॉग ईट पावर वन बाय फोर प्लस लॉग ऑफ डी बाय आर। इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो तरीका बेसिकली क्या होता है, ई टू द पावर वन बाय फोर को ऊपर नहीं नीचे रखते हैं, तो नीचे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई टू द पावर माइनस वन बाय फोर, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई लॉग ऑफ डी अपॉन आर इन टू ई टू द पावर माइनस वन बाय फोर। R इंटू ई टू पावर माइनस वन बाय फोर को कहते हैं R डैश, दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, इसको हम कहते हैं R डैश, R डैश वेयर R डैश इज जी एम आर ज्योमेट्रिक मीन रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू R इंटू ई टू पावर माइनस वन बाय फोर, ये होता है, दिस इज द आर डैश, और दिस इज बेसिकली शाई ए, ये आई ए है। अगर शाई ए अगर ये है तो एल ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले जो स्टेप्स लिखे थे, सबसे पहले एल ए इज इक्वल टू शाई ए अपॉन आई ए, तो इसमें से आई ए अगर हटा दिया जाए तो बचा हुआ जितना है दैट इज इक्वल टू एल ए, सो एल ए is equal to this mu naught upon 2 pi log d by r dash, ये हो गया, और LA की वैल्यू अगर ये हो गई then loop inductance, loop inductance is equal to LA plus LB is equal to 2 into LA, खत्म, वी डन। तो ये पूरा डेरिवेशन जो है ये पहली बार देखने में आपको बड़ा लगेगा, स्पेशली खासतौर से जिस तरह से किताब में दे रखा है सब सस्पेंस की तरह से खुलता जाता है, सस्पेंस। अब नॉर्मली क्या है, यहां पर वापस आइए, यहां पे अब नॉर्मल केस में जो डेरिवेशन इसका स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहां से, ये करना शुरू करते हैं, करते करते यहां तक पहुंचते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, उसने शाई ए इंटरनल उसे निकाल दिया, क्या है ये, क्यों है, कहां से आ गया, कुछ क्लियर नहीं है, उसके बाद में ये निकालना शुरू कर देगा। जिस समय आप ये वाला काम कर रहे हैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा आई एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, बी एक्स क्या, कहां से कर दिया ये, इसमें काय को फालतू में आई एक्स यूज कर लिया, क्या क्या कर दिया, कुछ क्लियर नहीं होता, ये करते आते हैं, ये करते आ रहे हैं, वो करते आ रहे हैं, फिर लास्ट जाकर वो निकाल के रखता है। एक्चुअली ये वाली चीज़ शुरू में समझ में आनी चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सो इन दैट सेंस अगर आप देख रहे हैं तो खाली आपके पास 10 स्टेप हैं। भाई मैं इसको छठा स्टेप नहीं, यूँ नहीं मानता हूँ कि ये खाली इंटीग्रेशन है, ये इसी का इंटीग्रेशन है, दैट इज बेसिकली वन स्टेप ओनली, ये एक स्टेप है। तो 5 स्टेप है, आई एक्स एच एक्स बी एक्स डी फाई डी शाई, ये आपको इसमें निकालने हैं, ये आपको इसमें निकालने हैं, और इसमें खाली क्या ध्यान रखना है, छोटे 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 फॉर्मूले, डी फाई की वैल्यू होती है बी एक्स इंटू वन इंटू डी एक्स, ये सबको याद रह सकता है, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच एक्स, म्यू आर की वैल्यू हमेशा वन होती है, ये फॉर्मूला सबको याद रह सकता है। एच एक्स की वैल्यू होती है करंट अपॉन टू पाई इंटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला सबको याद रह सकता है, और आई एक्स की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे। अगर इतने चार सिंपल सिंपल फॉर्मूले याद रख दें तो खाली आपको एक बड़ा भारी काम करना पड़ेगा कि सारी वैल्यू सही सही रखनी पड़ेंगी बस, बाकी डेरिवेशन ही अपना चल जाता है, और बाकी सिंपल चीजें याद रखनी है कि इसमें अंदर का
इसलिए वो जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट हो रहा है, इसमें बाहर का है, इसलिए डी से लेके इन्फिनिटी तक कर रहा है, थर्ड वाले में आर से लेके इन्फिनिटी तक कितना है, ठीक।